हाँ जी बताया जाता है कि भगवान राजा ही तब स्थापन करते हैं कि जब दुनिया भर में राजा खत्म हो जाएगी है राजा दुनिया भर की राजा जब खत्म हो जाएगी ईश्वरीय राजा स्थापन होगी। हाँ जी लेकिन अभी आज के तारीख में भी देखा जाता है कि राजा जो है अभी भी कई देशों में पूरी तरह से चल रही है। कहाँ? जैसे कि अरब देशों में राजा ही चल रही है राजा ने अपने बगल में भूटान में चल रही है। भूटान में राजा ने अपनी इच्छा से प्रजा को सौंप दिया, फिर भी प्रजा तो राजा को ही मानती है, लेकिन तंत्र फिर भी प्रजातंत्र चल रहा है। तो सारी दुनिया में जब बेकायदे राज्य स्थापन हो जाता है, सभी धर्म धर्म के नाम पर अधर्म हो जाते हैं। जो पहला नंबर सनातन धर्म है वो ही अधर्म बन जाता है, तो औरों की तो बात ही क्या। तभी भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए आना पड़ता है, राज्य की स्थापना करने के लिए आना पड़ता है। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा और सारी दुनिया में एक ही कुल। और बाबा बहुत बच्चे राम रामायण के से महाभारत को पसंद करते हैं। रामायण को ज्यादा रामायण से ज्यादा महाभारत को पसंद करते हैं। हाँ महाभारत को पसंद करते हैं। आज की दुनिया में पसंद करते हैं कि पहले भी पसंद करते थे? आज की दुनिया में महाभारत को ज्यादा पसंद करते हैं। महाभारत में क्या दिखाया है? है लड़ाई झगड़ा मारा मारी। रामायण में तो राम राज्य भी दिखाया है, तो मनुष्यों की टेंडेंसी क्या हो गई है? हैं? तमो प्रधान मनुष्य हो गए हैं तो क्या चीज पसंद करेंगे? आज बच्चे भी मारा मारी की फिल्में ज्यादा पसंद करते हैं, पसंद भी करते हैं और एक्टिंग भी वैसे ही करते हैं। तो तामसी वृत्ति के कारण ऐसा होता है। और आंध्र में सेंटर्स ज्यादा हो गए और कर्नाटक में सेंटर्स क्यों कम है? ये सेंटर्स आसुरी स्कूल हैं या ईश्वरीय स्कूल हैं? तो ईश्वर कर्नाटक को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहा है इतना वर्तमान समय में?
मुंद्रा को इतना बढ़ावा क्यों दे रहा है? है? विश्व स्वयं कर्नाटक है। क्या है कर्नाटक? स्वयं ही कर्नाटक है। हाँ ठीक है, भगवान का पार्ट नाटक बाजू का है। इसलिए जो नाटकबाजी करता है वो असलियत होती है या असलियत नहीं होती है? है? नाटकबाजी करना असलियत होती है? असलियत नहीं होती है। इसलिए दक्षिण भारत में एक फल बहुत प्रसिद्ध है। क्या नाम है? है नारियल। कैसा? अरे रियल या नारियल? कितनी आंखें होती है? हैं? तीन आंखें होती हैं। जो तीन आंखें होती हैं वो परिपक्व स्टेज में कैसे रंग की दिखाई पड़ती है? तिरुपति के मंदिर में चले जाओ, दक्षिण भारत के कोई भी बड़े बड़े मंदिर में चले जाओ, उड़ीसा में चले जाओ, जगन्नाथ के मंदिर में चले जाओ, आंखें कैसी दिखाई गई है? है? काली काली गोल गोल। उनकी पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? पूजा पवित्र की होती है या काले तमो प्रधान की होती है? तो देखने में काली है या अंदर से भी काली है? हैं? देखने में काली है, अंदर से तो वो जानता है। कि अंधों को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए या लंगड़ों को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए? और आंध्रा है? आंध्रा अंधा है, वो हद का आंध्रा है। और ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का आंध्रा कौन सा है? है? भीके वाले सारे ही नहीं, विजयमाला में आने वाले, जो विजयमाला में आने वाले मणके हैं वो दिल से सागर के जास्ती नजदीक है। या कर्नाटक वाले लंगड़े जास्ती नजदीक हैं? कौन जास्ती नजदीक हैं? है? कर्नाटक वाले ज्यादा नजदीक हैं। पवित्र के जो एवर प्योर है, एवर प्योर के नजदीक पवित्र ही रहेगा या पवित्र रहेगा? तुम बच्चों को मेरे पास आना है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास आना माना अपवित्र होकर आना है। जो जितना पवित्र आत्मा बनेगी वो उतने ही मेरे नजदीक आ जाएगी। तो बाप प्रेफरेंस किसको देता है? लंगड़ों को प्रेफरेंस देता है या अंधों को प्रेफरेंस देता है? क्यों? हैं? क्योंकि उनमें प्योरिटी
जाती है, उनका दिल सागर के नजदीक है। भारतवर्ष में इतने स्टेट्स हैं, कौन सा स्टेट है जो भारत के बिल्कुल वो सागर के बिल्कुल किनारे किनारे है? आंध्र ही सबसे जास्ती किनारे नजदीक है। तो सागर नजदीक है तो सागर है, किसका कल्याण चाहता है पहले? विजयमाला का पहले कल्याण चाहता है या लंगड़ों का पहले करना है? रुद्रमाला पहले तैयार होती है, परंतु विजयमाला में बाद में पिरोई जाती है। तो आगे कौन हो गया? विजयमाला आगे हो गई। रुद्रमाला को इंतजार करना पड़ता है पवित्र बनने तक के लिए, इसलिए सारे भारत के स्टेट्स के मुकाबले अगर आंध्रा में ज्यादा सेंटर्स एडवांस ज्ञान के खुल रहे हैं तो गलत बात हो रही है या अच्छी बात हो रही है? अच्छी बात है। विजयमाला निकलेगी तो रुद्रमाला वालों का भी कल्याण हो जाएगा। विजयमाला नहीं निकलेगी तो रुद्रमाला का भी कल्याण नहीं हो सकता है। और पहले ज्ञान में कौन आते हैं एडवांस में? पहले रुद्रमाला आती है या विजयमाला आती है? हैं? रुद्रमाला पहले आती है। बाप को पहचानने वाले बच्चे पहले पहले भारत के कौन से स्टेट से निकलते हैं? तो गलत बात है क्या? और आज तो मुरली बोला बाबा, देवता के जो नेत्र होते हैं आकर्षक और दिव्य होते हैं, लेकिन अभी बोला जगन्नाथ के बड़े बड़े काले काले नेत्र दिखाई रहे हैं। तुमको काले दिखाई पड़ते हैं या बढ़िया दिखाई पड़ते हैं? अभी तो बाबा ने बताया ना, अंदर पवित्रता की तो पूजा होती है ना। है पवित्रता की पूजा होती है? हाँ, पवित्रता की पूजा होती है। पूजा करते नहीं क्या उन नेत्रों की? कमल नयन नहीं कहते हैं? अरे उन नेत्रों को कमल नयन कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो किस आधार पर कहते हैं? पवित्रता के आधार पर कहते हैं या अपवित्रता के आधार पर? है कमल का फूल भी रक्त कमल भी होता है, पीत कमल भी होता है, होता है सफेद कमल भी होता है, और काले रंग का भी कमल होता है, परंतु बिरला कौन सा मिलता है? काले रंग का बहुत कम दिखाई देता है। और बाबा आज ही में बाबा ने गोसुम कमसुम के अंदर दान सेवा के लिए एडवांस में क्यों नहीं? क्या आज ही में बाबा ने गोसुम कमसुम सेवा के लिए कहता था है? और एडवांस में क्यों नहीं? गोसुम कमसुम ये गोसुन और कमसुन हद में ही है या बेहद में भी है? बेहद में भी है और हद में भी है। एक सेकंड में निराकारी हो जाओ, जाओ
और एक सेकंड में साकारी हो जाओ, तो इससे ज्यादा गोसून और कमसून क्या होगा है? बाबा की साथ रहना। वो बेसिक वाले तो जाने और आने में एक सेकंड लगाते थे या लंबा समय लगाते थे, तो ज्यादा गोसून और कोसून कमसून किसके लिए है? एडवांस वालों के लिए। उनका हद में था और हमारा बेहद में है। हम जितना ही निराकारी स्टेज में टिकेंगे उतना ही विश्व का वातावरण कैसा बनावेंगे है? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनावेंगे। जितना साकारी स्टेज में टिकते हैं, देवभान में टिकते हैं, उतना ही विश्व का वातावरण खराब बनाने के निमित्त बन जाते हैं। परंतु सेवा साकारियों की करनी है, देहधारियों की करनी है या निराकारी स्टेज में टिकने वालों की करनी है? हैं? हाँ, इसलिए सेवा तो करनी ही है। तो जिनकी सेवा करेंगे उनके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। और संग का रंग लगेगा तो हम ही तमो प्रधान होने लग पड़ेंगे, तो क्या करें? है? निराकारी बन जाओ। इसलिए बताया गोसून कमसून। और बाबा गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, ये ब्रह्मा टाइटलदारी गीता का भगवान और टेम्पररी गीता का भगवान था। टेम्पररी गीता का भगवान था? गीता का भगवान था टेम्पररी? अरे टेम्पररी भी था, उसे टेम्पररी गीता का भगवान भी कहेंगे? कहेंगे? अभी टेम्पररी तुम्हारी बुद्धि में गीता का भगवान कृष्ण बैठा हुआ है। वो टेम्पररी ब्रह्मा टाइटलधारी ब्रह्मा था इसलिए पूछा है। वो टाइटलधारी ब्रह्मा टाइटलधारी प्रजापिता ब्रह्मा था वो। अरे टाइटलधारी ब्रह्मा एक है या अनेक है? है? एक की बात थोड़ा ही है। और बोल रहे हैं क्रिश्चियन धर्म बोल रहे हैं जीसस कमिंग वेरी सून। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने जो चित्र लगाया था कृष्ण का, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कृष्ण की फॉलोअर थी या नहीं थी? है? डुप्लीकेट भगवान कृष्ण की फॉलोअर थी या नहीं थी? थी। और क्राइस्ट ने किसको फॉलो किया है? कृष्ण को फॉलो किया है। तो ब्रह्मा कुमारियों ने जब ये आवाज लगाई कृष्ण आ रहे हैं, चित्र देखा या नहीं देखा? पुराना चित्र अभी भी किसी के घर में टंगा होगा जिसमें बाबा ने बताया लात से नरक को ढकेल रहे हैं, गड्ढे में नरक को लात मार रहे हैं और स्वर्ग को तीरी पर ले रहे हैं, और ऊपर लिखा हुआ है स्वर्ग आ रहा है, कृष्ण आ रहे हैं। तो पहले कृष्ण के फॉलोअर्स ने और डुप्लीकेट कृष्ण भगवान ने ये आवाज लगाई कि कृष्ण आ रहे हैं, या क्राइस्ट ने आवाज लगाई और क्रिश्चियंस ने आवाज लगाई? आवाज किसने पहले लगाई है?
कृष्ण के फॉलोअर्स ने आवाज लगाई, कृष्ण के इशारे पर आवाज लगाई। बाद में फॉलो कौन करते हैं? क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स इस बात को फॉलो करते हैं। वो भी फॉलो करके यही आवाज लगाते हैं कि क्राइस्ट जल्दी ही आने वाला है। और ये बात तो बाबा ने पहले ही बता दी, क्या कि क्राइस्ट की आत्मा, क्राइस्ट इस समय बैगर के रूप में घूम रहा है। इस दुनिया में किस रूप में घूम रहा है? बैगर के रूप में घूम रहा है। अगर वो प्रत्यक्ष नहीं होगा तो दुनिया के जो 200 करोड़ से ऊपर क्रिश्चियंस फॉलोअर बन गए हैं, उनका उद्धार पहले होगा या क्राइस्ट का उद्धार पहले होगा? है क्राइस्ट का उद्धार हुए बगैर क्रिश्चियंस का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए ये आवाज भी जरूरी है। और ड्रामा प्लान अनुसार ठीक है, ठीक समय पर यह आवाज लगाई जा रही है या गलत है? है, ठीक समय पर आवाज आ रही है। और बाबा, गंगा अपने 7 बच्चों को पानी में क्यों डाल दिया? गंगा के कितने पुत्र थे? टोटल कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। पानी में डाल देना माने डुबो देना, नीचे गिरा दिया। और कंस को क्या दिखाते हैं? कंस ने क्या किया? 7 बच्चों को मार डाला। बेहद में इसका अर्थ क्या हुआ? 7 नारायण। बेहद में अर्थ हुआ जो कम कलाओं वाले 7 नारायण हैं, वो 7 नारायण अवनति के गर्त को पा गए। और जो अव्वल नंबर है वो बच गया। कौन कौन बच गया? है कृष्ण बच गया। और जो कृष्ण जैसे 7 बच्चे थे वो गर्त में चले गए, डुबो दिए गए। ये फॉलो किया है। सब धर्मों ने, सब धर्म पिताओं ने किसको फॉलो किया है? बाप को फॉलो किया है। बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो माया, कृष्ण जैसे 8 बच्चों को डुबोती है या 7 को डुबोती है? 7 नारायणों को पतन के गर्त में डाल देती है। लेकिन फर्स्ट नारायण बनने वाली आत्मा जो संगमयुगी कृष्ण है उसको गर्त में नहीं डाल पाती। यहां बात गंगा की हो रही थी। गंगा पतित पावनी है या भगवान पतित पावन है?
गंगा ने फॉलो किया भगवान को। भगवान जब आते हैं तो माया साथ बच्चों को नीचे डुबोती है, और यहां किसने डुबोया है? अरे यहां किसने डुबोया? सन्यास धर्म में किसने डुबोया? गंगा ने डुबोया। तो गंगा पतित पावनी है, माया पतित पावनी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में गंगा को भी भगवान के आधार पर भगवान का टाइटल देने वाला बनाया गया। क्या नाम देते हैं भगवान का? गंगाधर, अर्थात गंगा को धर के बैठ गया। कौन? भगवान। तो गंगा का भी पति हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही भक्ति मार्ग में माया पति माना जाता है या नहीं माना जाता है? तो माया के अनेक रूप हैं, उन अनेक रूपों में से एक रूप गंगा का भी है। जो अनेक रूप हैं वो आठ पटरानियों के रूप में गाए हुए हैं। आठ पटरानियां महारानी का पद पाने वाली हैं। यह पटरानिया का पद पाने वाली है। क्यों? क्योंकि उन्हें रानियों ने औरों को पट में गिराया है, इसलिए खुद भी नीचे गिर जाती है, पट में गिर जाती है। उनमें एक धर्म की हेड गंगा भी है। कौन से धर्म की मुखिया है? हैं? सन्यास धर्म की मुखिया है। तो गंगा के लिए भी यही दिखाया है। कि भीष्म पितामह जैसे सात बच्चों को नीचे गिरा दिया, डुबो दिया, और आठवां बच्चा बच गया। शास्त्र में भी ऐसे दिखाया है कि कृष्ण आठवां बच्चा था, वो कंस के दुरावे में नहीं आया, बाकी सात माया के पंजे में आ गए। और बाबा दीखे वाले बताते वो सूक्ष्म होता है, पहला नहीं था। जब बाबा साकार में आता ना उसी वक्त वो बाल के आया। कौन बाबा आया? शिव बाबा। कब आया? है 36 में शिव बाबा आया है। वो तो मुरली में ही बोला है, सूक्ष्म वतन 40 वर्ष के लिए रचते हैं। सन 36 से लेकर के 76 है, 40 वर्ष है। भगवान आया था है? आया? अरे भगवान आया कि नहीं आया? आया। भगवान बाप आया 36 से लेकर के 76 तक बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया तो
लेकिन भक्ति मार्ग के आधार पर मनाया या असली मनाया? भक्ति मार्ग के आधार पर महाशिवरात्रि मनाते रहे। 76 से शिवरात्रि की छुट्टी होना शुरू हुई है, तो 76 से पहले ब्राह्मणों की दुनिया में सिर्फ सुनना सुनाना होता आया या भगवान की वाणी का समझना भी होता आया, समझाना भी होता आया? है सुनना सुनाना कौन से मार्ग में होता है? तो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी होता है। इसलिए मुरली में बोला कि 40 वर्ष तक सूक्ष्म वतन की रचना रचता हूं। 40 वर्ष जब पूरे होते हैं तो लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, और जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं उनमें भी एक है ज्ञान का बीज और एक है ज्ञान धारण करने की आधार मूर्त। तो ज्ञान का उदय किसमें होता है? बीज में ज्ञान का उदय होता है। उस आत्मा के लिए भक्ति मार्ग खलास हो जाता है, वो भक्ति मार्ग की बातों पर, सूक्ष्म वतन की बातों पर विश्वास नहीं करता। बाकी तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां अभी भी सूक्ष्म वतन में जाते हैं। और है शिव बाबा रुद्र तन में क्यों आया? बूढ़े तन में क्यों आया? क्योंकि बच्चा हो, किशोर हो, नौजवान हो, ये ज्यादा अनुभवी होते हैं या वृद्धतन अनुभवी होता है? तो अनुभवी में आवेगा या बच्चा बुद्धि में आवेगा? बाबा तो कहते हैं मैं कृष्ण बच्चे में नहीं आता हूँ, किस में आता हूँ? वृद्ध माना अनुभवी। अनुभवी तन में आता हूँ, स्थूल रूप में वृद्ध की बात नहीं है। वृद्ध उसको कहा जाता है जो अनुभवी होता है। आज भी मुरली में क्या बोला है? तुम बच्चे अपना अनुभव सुनाते हो, जो प्रैक्टिकल में अनुभव करेगा वही सच्चा अनुभव सुनावेगा, या जो अनुभव करेगा ही नहीं वो सुनावेगा? है प्रैक्टिकल में जो दुनियादारी का, ईश्वरीय ज्ञान का प्रैक्टिकल अनुभव करता है वो ही दूसरों को सच्चाई से सुना सकता है। नहीं तो मीठी मीठी भाषा सुनने में आती है, असलियत किसी की समझ में नहीं आती। और बाबा भक्ति मार्ग में गणेश जी का पूजा करते हैं घर घरों में, कोई कई घरों में चूहा को लेकर पूजा करते हैं, इसका मतलब है? चूहे का विशेष गुण क्या होता है? अंदर अंदर सारा खोखला कर देता है धरणी को। तो जो धरणी को खोखला कर देता है उस चूहे के ऊपर गणेश की सवारी दिखाई है। और गण किसको कहा जाता है? गण
समूह को गण कहा जाता है और देवताओं का जो समूह है उसके ऊपर ईश्वत्व अर्थात कंट्रोलर कौन है? है देवात्मा। देवात्मा बुद्धू होती है या होशियार होती है? जो देवात्मा है वो तो बुद्धू होती है। भगवान बाप के रूप में बुद्धू में आता है या मनन चिंतन करने वाले मनुष्य में आता है? है मनन चिंतन करने वाले मनुष्य में आता है। तो गणेश का पार्ट किसका है? अंत तक देह अभिमान की सूंड नीचे लटकती रहती है। और कान कैसे दिखाते हैं? मन सुनने में सबसे ज्यादा सुनता है या कम सुनता है? बहुत सुनता है। सबसे ज्यादा किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा रूपी गणेश के कान सुनते हैं। और पेट भी कैसा दिखाते हैं? गणेश का पेट भी कौन सा पेट? वो बुद्ध रूपी पेट भी बहुत बड़ा है। शिव बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है तो बुद्धि का प्रदर्शन करने वालों को ज्यादा पसंद करेगा या दिल वालों को ज्यादा पसंद करेगा? इसलिए दिलवाड़ा बाप गाया हुआ है लेकिन वो गणेश सवारी किसके ऊपर करता है? है चूहों के ऊपर, चूहे के ऊपर। और बैल किस पर सवारी करता है? बैल किसका पार्ट है? बैल भी ब्रह्मा का पार्ट। और चूहे पर सवारी करने वाले का भी ब्रह्मा का पार्ट। इसका मतलब जो बैल वृत्ति की आत्माएं हैं माने देह अभिमानी हैं तो उन पर ब्रह्मा की सोल सवार होती रहती है जब तक आत्मिक स्टेज में न टिक जाए। तो चूहे का पार्ट एडवांस वालों का है या बेसिक वालों का है? है एडवांस में जो आत्माएं आती हैं वो बेसिक ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मणों के घर चूहे की तरह खोखले कर देती हैं। उन्हें पता ही नहीं लगता कि हमारे परिवार की सारी चोरी हो गई। ऐसे एडवांस में चलने वालों चूहों के ऊपर ब्रह्मा की सोल सवारी करती है। शिव तो मुकर्रर रथ में आता है, सब में नहीं आता है लेकिन ब्रह्मा की सोल एडवांस के बच्चों में प्रवेश करती है या नहीं करती है? करती है। तो ये हुए नंबर वार चूहे।
ये संसार रूपी जाल को काटने वाले हैं। चूहा क्या करता है? जाल को काट देता है। और बाबा बी के टीचर्स एडवांस में सरेंडर होने के लिए क्या कंडीशन है? खिचड़ी खानी पड़ेगी। क्या क्या खाना पड़ेगा? खिचड़ी खानी पड़ेगी, पतली पतली। और मार्किन का कपड़ा पहनना पड़ेगा। मार्किन सबसे सस्ती और मजबूत कपड़ा होता है, लेकिन सूती कपड़ा होता है, और सूत सबसे जास्ती कास्टली है या सस्ता है? है देखने में उतना भवके का नहीं होता है, लेकिन ज्यों ज्यों धोएंगे क्यों त्यों सफेद निकलता जाएगा, गफ होता जाएगा, मजबूत होता जाता है, लंबे समय तक चलता है। लेकिन मार्किन के कपड़े में पंप एंड शो है नहीं होता है, तो वो कपड़ा पहनना पड़ेगा। अच्छी कंडीशन है या खराब कंडीशन है? है अच्छी कंडीशन, अच्छी कंडीशन है। और मकान है? हाँ, मकान भी सादा सादा मिलेगा। जैसे बाबा कहते हैं, तुम बच्चों का खान पान रहन सहन न ज्यादा ऊंचा होना चाहिए और न ज्यादा नीचा होना चाहिए, परंतु रोटी कपड़ा और मकान की जिनको अच्छा अच्छा उपयोग करने की आदत पड़ गई है, वो फिर सरेंडर होना चाहेंगे एडवांस में? है कंडीशन अच्छी है या बुरी है? अच्छी है, तो सरेंडर क्यों नहीं होते? अब वो सरेंडर होने तो उनको मिनी मधुबन को निमित्त बनते हैं। है वो सरेंडर होने के बाद उनको मिनी मधुबन का निमित्त बनते हैं क्या? जो मिनी मधुबन के या मधुबन के या जो बेसिक सेंटरों के निमित्त बने हैं, उनमें 50% तो चोर हैं। अपने नाम सारी संपत्ति लिखाई हुई है जो पब्लिक से मिली है, और अपने नाम से मकान बनाए लिया है। क्या बैंक बैलेंस भी अपने नाम कराई लिया है? है जम्मू क्या वहाँ भी सेंटर्स पे दोनों सिस्टर्स की यही लड़ाई हो रही है, ये मेरे नाम का है, ये मेरा, ये मकान मेरा है, ये वो मकान तेरा। तो एडवांस में मिनी मधुबन का इंचार्ज चोरों को बनाया जाएगा या साहूकारों को बनाया जाएगा? है साहूकारों को बनाया जाता है, नहीं तो स्वर्ग की जगह क्या स्थापन होता रहेगा? और ही नरक बन जाएगा। और बाबा ये एडवांस पार्टी में बेसिक वाले बेसिक निश्चय बुद्धि वाला आता है क्या अनिश्चय बुद्धि वाला आता है? एडवांस ज्ञान में वो बेसिक वाले आते हैं जो गीता पाठी हैं, गीता ज्ञान को सुनने और सुनाने वाले हैं। हमारी सच्ची गीता कौन सी है? है मुरली, जो ब्रह्मा के मुख से मुरली सुनाई गई है, उस मुरली पर जिनको ज्यादा विश्वास है
ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा कुमारियों पर विश्वास नहीं है। किस पर विश्वास है? मुरली पर विश्वास है। वो ही आत्मा यहाँ एडवांस में आती हैं। और बाबा त्रेता के अंत तक 10 करोड़ देवता आत्मा आते हैं ना, वो निर्विकारी है अभी बाद में 23 करोड़ आता है ना, वो पतित दुनिया में आता है, तो वो विकारी देवता होता है क्या? जो भी देवता धर्म की आत्माएं हैं, दुनिया वालों के मुकाबले वो पारिवारिक संगठन में रहने वाली होंगी या पारिवारिक संगठन को तोड़ने वाली होंगी? संगठन में रहने वाली। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है, पूरा लोप नहीं हुआ है। माना अभी भी भारतवर्ष में ऐसे ऐसे परिवार हैं जहां 60-60, 70-70 लोग एक चूल्हे पर खाना खाते हैं, लेकिन वो एक ही उनका मुखिया है और एक ही मत पर ही चलते हैं। मजाल जो मुखिया की बात को कोई काट दे। और विदेशों में क्या होता है? है पारिवारिक व्यवस्था टूट गई और विदेशियों को कन्वर्टेड भारतवासियों ने फॉलो कर लिया। कन्वर्टेड भारतवासियों की संख्या ज्यादा है या कन्वर्ट न होने वाले देवात्माओं की संख्या ज्यादा है? कन्वर्ट होने वालों को ज्यादा संख्या, ज्यादा संख्या है। जो नॉन कन्वर्टेड भारतवासी हैं वो विरले हैं, ढूंढने से मिलेंगे। और बाबा एडवांस में भाई योग को बाबा को सरेंडर नहीं करते है? भाई योग को बाबा सरेंडर तो नहीं करते। अच्छा, मुरली में बोला है बैल पाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है। हाथ उठाओ, कौन पूछ रहा है? हा? हाथ तो उठा दो। हाँ, एडवांस में बाबा की मुरली को फॉलो करने वाले पक्के हैं या कच्चे हैं? पक्के। तो बाबा की मुरली का महावाक्य है कि बैल पाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? गौपाल कन्हैया बगाया हुआ है। तो गौ बन के दिखाओ है। गौ तो सीधी सादी होती है, जैसे चलाओ वैसे चलने वाली होती है। और बैल है जो सांड दुनिया में घूमते हैं, उनको नाथ लगाई जा सकती है? है? नहीं लगा सकते, उनको बांध के नहीं रखा जा सकता है। तो सरेंडर किया जा सकता है। अरे हमको यही रोना है क्या? आजकल घरवालियां तो बात मानती नहीं है, तो घरवाला क्यों रोता है? हैं? अरे हम कहां जाएं? बाबा हमको सरेंडर करता नहीं है और घरवाली हमारी बात मानती नहीं है। अरे वो तो घर घर का झगड़ा है। अभी तो पारिवारिक व्यवस्था घर घर में टूट रही है, इसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। ये सारा ब्राह्मण परिवार बाप का परिवार है, इसमें सब आपस में भाई बहन हैं। लेकिन ईश्वरीय कानूनों के अंदर सबको चलना पड़ता है।
ईश्वरीय कानून है कि भाई लोग अपन को सरेंडर समझ करके चलें। अपन को सरेंडर समझना है, भाइयों को सरेंडर करके रखा नहीं जा सकता है। अगर उनको ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरह सरेंडर करके ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में जैसे रह रहे हैं भाई और बहनें, तो जो रिजल्ट आ रहे हैं भगाने करने के, वो एडवांस में आ रहे हैं या बेसिक में आ रहे हैं? है? बेसिक में आ रहे हैं। एडवांस में अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया। इसका कारण क्या है? है? यही कारण है कि वहां श्रीमत के बरखिलाफ भाइयों को सरेंडर करके रखा गया है अंदर, और एडवांस में क्या है? सरेंडर नहीं करता। हाँ, सरेंडर करके नहीं रखा जाता। मन बुद्धि से सरेंडर होना, मन बुद्धि से सरेंडर समझो और जैसे चलाया जाए वैसे चलो और ईश्वरीय सेवा करते रहो। क्योंकि भाइयों के बगैर तो बहनें भी कुछ नहीं कर सकती, सेंटर नहीं संभाल सकती। हर सेंटर में बाहर का काम संभालने के लिए कोई भाई चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए जरूर, परंतु सरेंडर करके रख लिया जाए और वो बैलबाजी करना शुरू कर दे अंदर अंदर, तो फिर सरेंडर को निकाला जा सकता है? वो तो अपना कागज दिखाई देगा, अरे हमको तुम कैसे निकाल सकते हो? क्या हमको तो लाइसेंस मिला हुआ है अंदर रहने का। तो सरेंडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है? नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और बाबा हमारा नहीं, बाबा अभी बोला ना अच्छे अच्छे कपड़े मकान रहने वाला सरेंडर वाले नहीं चाहते, वो खाली कन्या माताओं के लिए बोला क्या? हैं? पहले बताया ना बाबा। हाँ, फिर कन्या माताओं वाली बात पैदा कर दी। अरे भाइयों की तो बात ही कट कर दी, उनके तो सरेंडर होने की बात ही नहीं, क्यों कचवाते हो? ठीक है बाबा। हाँ, जो तो पहले जो बात बताया क्या अच्छे अच्छे कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान बोलने वाला हाँ, सरेंडर होना नहीं चाहते हाँ, वो सिर्फ कन्या माताओं के लिए कहा। अरे भाई लोग सरेंडर होना चाहते हैं? नहीं, वो नियम नहीं कि वो बार बार मांग नहीं करते हैं, हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, हमारी टांगों में दर्द होता है, हमारे शरीर में दर्द होता है, हमको चावल नहीं पचते, हम तो रोटी खाएंगे। अब सारे मिनी मदनों में शाम को खिचड़ी ही बनाई जाती है और उसे एक के लिए कहा जाए कि हम तुम्हें रोटी बना के देंगे और बना के दी जाए, तो वो समझेगा ये ब्रह्मा कुमारी हमारे ऊपर स्पेशल फेदा है। समझेगा या नहीं समझेगा? ये स्पेशलिटी देना हुआ या नहीं हुआ? हुआ। एक को देना है तो सभी कहेंगे हमको भी दो। इसलिए कायदे कानून पर जितना पक्का रहेंगे उतना यज्ञ का फायदा होगा। और बाबा हमारा कर्म करते हुए उसी के सदा बाबा के साथ रहना, ये और अगला कर्म है काम करते हुए सदा बाबा के साथ रहना। हाँ, इसका फार्मूला बताओ। इसका फार्मूला प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कम कार्डे दिलियाड़े, एक तो प्रैक्टिस करते रहे और दूसरा बुद्धि में सदैव धारण करें कि ये दुनिया जाने वाली है। इन आंखों से जो भी देखते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे देह हो, अपनी हो, पराई हो, देह के संबंधी हो, देह के पदार्थ हो, बड़े बड़े मकान महल माड़ियां हो, बड़े बड़े काल कारखाने हो, ये सब ध्वस्त होने वाले हैं। आज दिखाई पड़ते हैं, कल नहीं रहेंगे। ये दो बातें पक्की करेंगे तो कम कार्डे दिल यार्डे हो जाएगा। घर में प्राणियों को पालना है, घर में प्राणियों को पालना नहीं है, किसको पालना नहीं है? जानवरों को नहीं पालना है। अच्छा, घर में नहीं पालो? बाहर बाहर पाल लो। घर के बाहर है, घर के बाहर पालो। माना घर के अंदर मत पालो, घर वाली जहाँ घूमती है। न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते, ग्रहणी ग्रहम उच्यते। चार दीवारियों को घर कहा जाता है या घरवाली को घर कहा जाता है? है, घरवाली को ही घर कहा जाता है। तो जहां जहां घरवाली घूमती है अंदर अंदर, वहां जानवर न पालो, बाहर पाल लो। वेद की तो बात बता रहे हैं। जानवर कहो, दुर्योधन दुशासन कहो, बात एक ही है या अलग अलग है? राक्षस कहो, बात एक है या अलग अलग है? हैं? अरे बताओ ना, एक ही बात है। और बीच से तीन चार महीना क्लास में आती, बीच में छोड़ देती कोई ना कोई कारण पर। कौन? बीच से क्लास करने सुनने के लिए आती है ना। हाँ। वो तीन चार महीना आकर छोड़ देती, कारण है कारण है। हाँ। बाद में उनसे कनेक्शन रखना है नहीं रखना, फोन कनेक्शन वगैरह। जो वंचित हुई आत्माएं हैं उनको उठाना है। अद्वैत वाणी में तो ऐसा ही डायरेक्शन है, और यहाँ बीके से तो सभी आए हैं। ज्यादा परसेंट कहाँ से आए हैं? तो अगर कारण या कारण टूट जाते हैं तो उनको उठाने की कोशिश नहीं करनी है, करना है। हाँ बाबा, माया का अपोजिशन करने वाला बाप है? माया का अपोजिशन करने वाला बाप आप नहीं है? आप गले लगाएंगे हैं? ये ड्यूटी बाप को दे दी है कि तुम अकेले ये काम करो, हम नहीं करेंगे ऐसे? हाँ नहीं नहीं, आप भी सहयोगी है ना, आपको भी मुकाबला करना है कि नहीं करना है? हाँ तो क्या पूछना? मुरली में बोला ना खाली बाप के हैं? मुरली अब मुरली में बोला ना, क्या बोला? बाप का माया का अपोजिशन करने वाला खाली बाप, खाली बाप है। ये कोई मुरली में बोला है कि तुम बच्चों को माया का अपोजिशन नहीं करना है, माया सामने आए और गले लगा लो, तुम बच्चों को ये करना है, और बाप को है? बाप को माया का अपोजिशन करना है। फर्स्ट नंबर में है ना बाप? हाँ फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर कार्य कर रहा है ना, है? कोई पूछ रही है ना माता जी, फर्स्ट नंबर में बाप उसके? तो बाप फर्स्ट नंबर में, तो फर्स्ट नंबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। फिर
बाबा है बारह ज्योतिर्लिंगम में एक बाप है और ग्यारह लिंग कौन कौन है और ये कब प्रत्यक्ष होते हैं? जो भी लिंग है वो पुरुष लिंग कहे गए हैं, मनुष्य लिंग कहे गए हैं, देवलिंग कहे गए हैं या शिवलिंग कहे गए हैं? है? तो शिव का टाइटल धारण करने वाला कौन है? हैं? एक है या अनेक है? एक ही है। वो जब बाप समान स्टेज को धारण कर लेता है तो ग्यारह रुद्रों में प्रवेश करता है स्पेशली। इसलिए बारह शिवलिंग गाए हुए हैं, ज्योतिर्लिंग गाए हुए हैं। उसका उल्टा अर्थ कोई कोई लोग लगा रहे हैं कि बाप अकेला पतित पावन कैसे हो सकता है, हमारा नंबर भी तो ग्यारह में है, तो हम भी पतितों को पावन बनाना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत हैं जो कन्याओं माताओं को अपने बरगलावे में ले रहे हैं और बजाय स्वर्ग के क्या स्थापन कर रहे हैं, नरक बनाए रहे हैं, वैश्यालय बना रहे हैं, खुद भी गड्ढे में जा रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि हम गड्ढे में जा रहे हैं, हमारी शक्ति का पतन रोज रोज हो रहा है, फिर भी जन्म जन्मांतर की विकारी वृत्तियों के कारण आसुरी वृत्ति से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या ऐसे शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में नाम धारण कर सकते हैं? है? नहीं कर सकते। हाँ बाबा, ये सौ साल का संगम भी बहुत लंबे चौड़े है, ये दस साल का होने तो तीव्र पुरुषार्थ करके वही भी शिव सीताराम बनता था, तो सैतालीस में ही खलास हो जाते। माना पूछने वाले की इच्छा ये है कि दस वर्ष की लिस्ट में हमको ही आना चाहिए, 500-700 करोड़ के आत्माओं को भगवान का लाभ नहीं लेना चाहिए? ऐसे नहीं, नहीं तो 10 साल का होना चाहिए या कम से कम 100 साल का होना चाहिए? 100 साल का। ओम शांति।